Find a man, fall in love. गुरु जी, तो उसने बाद में आया था, मैं तो सोचा हाइकिंग ट्रेल्स पर चले गए, तो आज मैं हूँ ट्रेल 6 पर, उसने बाद में मरला हिल्स, सो अभी चल रहे हैं, सो लेट्स गो। तो अभी चल रहे हैं जी, बहुत मज़ा आता है। मैं चल रहा हूँ ऊपर और थोड़ी मुश्किल ट्रेल, लेकिन तो मेरा फर्स्ट टाइम है, लेकिन आई विल डू इट इंशाल्लाह। और गर्मी है, सुबह सुबह का टाइम है जी, 8:30 हो रही है और हाइकिंग पे आए हुए हैं, तो मज़ा तो आ रहा है, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, करना चाहिए भाई। ये चढ़ के आ रहा हूँ सामने से मैं, और ये भी ऊपर पता नहीं वो वहाँ कह रहे हैं जाना है या वहाँ जाना है, लेकिन अभी आगे चढ़ना है तो बुझी है, सो लेट्स गो। तो अभी पानी वानी पी रहे हैं भाई, और अभी पता नहीं कहाँ ऊपर जाना है, लेकिन मज़ा आ रहा है, ये बात है, मज़ा आ रहा है, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस अगेन, और बहुत ही फिट, और आपकी फिटनेस के लिए बहुत अच्छी होती है, तो आपको जरूर करनी चाहिए। सो मेरी जो फर्स्ट टाइम है, इसलिए थोड़ा सा मैं नर्वस हूँ, कन्फ्यूज हूँ, लेकिन जब आप एक बार कर लेते हो ना किसी चीज़ को, तो आप उस चीज़ से होते हो कंपेटिबल, तो फिर आप कर सकते हो इस चीज़ को। जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई हमसे नहीं होगी, बहुत ऊपर है, मतलब ये है वो है, यार ऐसी कोई बात नहीं है, जस्ट आपको आपके अंदर भी अब होप होनी चाहिए, एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका होना चाहिए, आप खुद ब खुद कर लोगे, आप रेस्ट ले लेके जाओ, लेकिन करो जरूर। भाई देखो, काफ़ी देर हाइक करने के बाद जो है वो थोड़ी देर रेस्ट ले रहा हूँ मैं, 5-10 मिनट रेस्ट लूँगा, और जो पहाड़ी चढ़ के मैं ऊपर आया हूँ ना हाइक करके, उसके पैसे अब पूरे होते हैं, तो अभी थोड़ा सा व्यू है, अभी आगे पता नहीं ऊपर कहाँ जाना है, और जो वहाँ से व्यू आता है सारे पैसे वहाँ जाके पूरे होते हैं, लेकिन अभी के लिए जो मैं व्यू दिखा रहा हूँ आपको, ये थोड़े से पैसे पूरे हैं, लेकिन व्यू चेक करेंगे आप, बहुत प्यारा ये व्यू है जी सामने, माशाल्लाह से व्यू के सारे पैसे हैं जी। वो अगर सामने आपको नज़र आ रही चीज़ तो वो है सर, अभी सारे पैसे इस व्यू के हैं, यानी हाइकिंग इज स्टिल गोइंग, और हम ऊपर जा रहे हैं, टॉप तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। हमें हाइकिंग करते हुए 2 घंटे हो चुके हैं जी, और डिस्टेंस तो मैं आपको आखिर में बताऊंगा कि हमने कितना कवर किया है, क्योंकि ट्रेल सिस्टम मेरा फर्स्ट टाइम है, और जो हमारे टूर गाइड जब जो हमारे मुद्दे के साथ में आए वो ये भाई हैं, वो आगे जा रहे हैं, सहेल भाई,
तो वही मुझे लेके आए हैं और उन्हीं को पता है कि ये क्या सीन है, लेकिन मुझे बस इतना पता है कि चलना है चलना है और चलना है बस। लेकिन मज़ा आ रहा है यार, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। मतलब नेचुरल जो ब्यूटी है ना, आप जब उसको एक्सप्लोर करते हो ना तो आपको मज़ा आता है ऑब्वियसली। तो बाकी यही है कि जो शहर के शोर शराबे से हट के दूर आप जब किसी पीसफुल जगह पे आते हो तो आप बहुत बहुत ज़्यादा पीसफुल महसूस करते हो, तो आपके दिल को भी सुकून मिलता है और आपके ऊपर भी सुकून मिलता है, मतलब आपको एक फीलिंग आती है। तो ज़रूर करना चाहिए इंसान को ऐसा एक्सपीरियंस, तो मैं भी कह रहा हूँ यू शुड ऑल्सो ट्राई एटलीस्ट वन टाइम इन योर लाइफ। तो जो आप इतनी लंबी ट्रैकिंग करते हो, हाइकिंग करते हो, जब आप आखिर में आते हो, जब आप व्यू देखते हो ना, जो आपने सारी जो आपने ट्रैकिंग की होती है ना, वो आप भूल जाते हो और जस्ट आप व्यू को फोकस करते हो तो आप बहुत खुश होते हो, आपके दिल को बहुत सुकून मिलता है। यकीन करें आप मेरा, तो सारे आपके पैसे ना, वो सारे आपके पैसे व्यू पूरे करते हैं। वैसे पैसे आपको लगते तो नहीं है, लेकिन जो आपकी मेहनत है वो ज़रूर लगती है, तो वो आपकी जो आप आखिर में आके व्यू देखते हो तो आप कहते हो गया हाँ वाकई वर्दी था, इट इज़ वर्थ। एक वर्दी एक्सपीरियंस है, ज़रूर करना चाहिए। फाइनली आफ्टर टू हॉर्स ट्रैकिंग हाइकिंग, हाँ हाँ अच्छा, तो आफ्टर टू हॉर्स ट्रैकिंग हाइकिंग जो व्यू आ रहा है वो आप देखें इंजॉय करें। लेकिन जो मैं आपको वीडियो में या इस मोबाइल के जरिए दिखा सकता हूँ वो इतना वर्दी नहीं होगा, जितना आप खुद अपनी आंखों से एक्सपीरियंस करोगे वो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा।